नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए देखते हैं खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। गुजरात के मांडवी पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों से की मुलाकात। अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का जाना हाल। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में विधायकों का राष्ट्रीय अधिवेशन। देशभर के सभी पार्टी के विधायकों ने लिया हिस्सा। सिवनी के बरघाट में कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ने गाए देशभक्ति के गीत। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पीएम मोदी दौरे को लेकर दिया बयान। कहा 2500 चुने हुए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम। 10 लाख बूथ और 15000 मंडलों पर कार्यकर्ता सुनेंगे संवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष पहुंचे भोपाल। एयरपोर्ट पर बीडी शर्मा और मंत्री सारंग ने किया भव्य स्वागत। बुरहानपुर पहुंचे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सैयद इब्राहिम। पार्टी के कार्यक्रम में बोले, पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहती है पाकिस्तान की भी जनता। बुरहानपुर पहुंचे खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल। स्कूटी पर सवार होकर बुरहानपुर की गलियों में घूमते नजर आए। शहरवासियों से पूछी उनकी समस्याएं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई पर हमले के 5 आरोपी गिरफ्तार। 3 अन्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बबलू तोमर पर परमाशु ने की थी कार चुराने की कोशिश। आगरमालवा में छात्रों की समस्याओं को लेकर एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट का किया घेराव। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। सीहोर के जिला अस्पताल में सुरक्षा के नाम पर तैनात आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारियों की गुंडागर्दी। जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज के परिजनों को पीटा। आगर मालवा जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे शख्स की हत्या। धारदार हथियार से वार कर हमलावर हुए फरार। गुस्साए ग्रामीणों ने किया थाने का घेरा। आगर मालवा जिले में नलखेड़ा के पास करंट की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर की मौत। हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने बुझाई आग। इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी ने होटल में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस को मौके से मिला 5 पेज का सुसाइड नोट। 2 पुलिसकर्मी सहित उनके साथियों पर प्रताड़ना का आरोप। बुरहानपुर के शाहपुर में खेत में पेड़ पर फांसी लगाकर किसान ने की आत्महत्या। जमीन का कुछ हिस्सा डैम में जाने से 22 वर्षीय युवक था परेशान। बिना मुआवजा फसल पर चला दिया था बुलडोजर। सिंगरौली पुलिस को साइबर सेल की मदद से मिली बड़ी कामयाबी। अलग अलग इलाकों से चोरी हुए लोगों के 105 मोबाइल फोन बरामद। मजार बनाने के नाम पर जमीन कब्जे का सनसनीखेज मामला। गलियासौद के पास धड़ल्ले से बनाए जा रहे अवैध मजार। 4 साल पहले इस जगह पर हुआ था निर्माण। एमपी में आदिपुरुष फिल्म के विरोध को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस ने सरकार और मनोज मुंतशिर पर उठाए सवाल। पूछा, सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दी फिल्म। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने की हसरत के लिए छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंची शिव रंजनी तिवारी। वापस लौटी, बालाजी सरकार के दर्शन कर वापस लौटी। आज रायपुर विधानसभा का प्रशिक्षण शिविर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे प्रशिक्षण शिविर। कांग्रेस के इतिहास के साथ आरएसएस के इतिहास पर होगी चर्चा। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी का बयान। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में 5 विषयों पर चर्चा। कांग्रेस आईटी सेल के अलावा वॉलंटियर भी करेगी तैयार। आदिवासी समाज के लोगों से सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात। अपने आवास पर बस्तर के आदिवासियों को दिया भोज। बस्तर के विकास पर हुई चर्चा। रायपुर में हिंदू राष्ट्र पर कांग्रेस विधायक के बयान से पार्टी ने झाड़ा पल्ला। विधायक अनिता शर्मा के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। कहा, ये विधायक के निजी विचार। पुलिसकर्मियों के चुनाव लड़ने की घोषणा पर राजनीति शुरू। कांग्रेस ने कहा, सरकारी कर्मचारी नहीं लड़ सकते इलेक्शन। बीजेपी ने कसा तंज। सरकार से त्रस्त हैं पुलिस वाले। रायपुर में बिजली विभाग में घुसकर लोगों ने की मारपीट। दफ्तर में की तोड़फोड़। बिजली गुल होने से थे परेशान। कर्मचारी की शिकायत के बाद फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। 19 जून को सीएम निवास का घेराव। तैयारियों में जुटे भाजयुमो कार्यकर्ता। लेखन बैठकों का चल रहा दौर। पीएससी में घोटाले को लेकर करेंगे विरोध। मनेतगढ़ में बीती रात दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। सूरजपुर में कुएं में दम घुटने से ग्रामीण बेहोश। जहरीली गैस से दम घुटने की आशंका। कुएं में गिरी भैंस को निकालने के लिए उतरा था शख्स।
गरियाबंद में युवक हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार, 3,38,000 रुपए की हुई ठगी, ग्राहक सेवा केंद्र खुलवाने के नाम पर की गई ठगी। कोरबा के एसईसीएल कुसमुंडा खदान के भू विस्थापित की मौत, नौकरी नहीं मिलने से था परेशान, खाया जहर, इलाज के दौरान हुई मौत, एसईसीएल प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप। रायगढ़ में टावर के लोहा और बाइक चोरी मामले में 3 गिरफ्तार, आरोपी के से बाइक और टावर के एंगल पाइप जब्त। कोंडागांव के केशकाल घाटी में फिर लगा लंबा जाम, ट्रक का पट्टा टूटने से घाटी में लगा जाम, दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें, पुलिस मौके पर। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में अगले 24 घंटे में लू का अलर्ट, बलौदाबाजार, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव को अभी और झुलसाएगी गर्मी। दुर्ग में गहरे नाले से शख्स का सुरक्षित रेस्क्यू, एसडीआरएफ ने बहते नाले से निकाला बाहर, चरौदा बस्ती की घटना, घटना का कारण जानने के लिए जुटी पुलिस। बस्तर को गौजा पर्व पर रेलवे की बड़ी सौगात, जगदलपुर से पुरी के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, 19 और 20 जून को विशेष ट्रेन का परिचालन। पिंडरा में कोयले से लदा ट्रक पलटा, गेवरा से जैथरी जा रहा था ट्रक, गाय को बचाने के दौरान हुआ हादसा, ट्रक का ड्राइवर घायल। कवर्धा में चमत्कारी कछुए के नाम पर ठगी, 7 लोगों को 9 लाख से ज्यादा का लगाया चूना, गिरफ्त में 4 आरोपी। कोरबा में घर में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने से लगी आग, आग पर पाया गया काबू। गरियाबंद में पानी की तलाश में गांव पहुंचा भालू, पेराबतर के तालाब के पास देखा भालू, भालू के आने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग को दी गई सूचना। जशपुर में तपकरा क्षेत्र में जंगल में लगी भीषण आग, सैकड़ों पेड़ जलकर खाक, वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र में ग्रामीण के घर, वन विभाग का छापा, 4 लाख से अधिक इमारती लकड़ी जब्त, डी को वन विभाग ने किया जब्त। राजनांदगांव में 12 जून को स्कूल के रेत में मिली महिला की लाश की नहीं सुलझी गुत्थी, आक्रोशित ग्रामीणों ने की आंदोलन की चेतावनी, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की।